माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर, वही खिलाड़ी जिनका नाम सुनकर भारतीय क्रिकेट फैंस को रवि शास्त्री का थोड़ी देर वाला बयान दिमाग में आ जाता है। बुधवार 18 जनवरी को हैदराबाद में खेले गए मैच में इस खिलाड़ी ने इंडियन बोलर्स की वो कुटाई की जिसे हम और आप जैसे करोड़ों क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखने वाले हैं। 350 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 131 रन पर 6 विकेट गंवाकर मैच से लगभग बाहर हो गई थी, लेकिन यहां से ब्रेसवेल ने 78 गेंद पर 140 रन कूट मैच को लगभग भारत से छीन लिया था। वो तो भला हो लॉर्ड शार्दुल का जिन्होंने आखिरी ओवर में इनको पवेलियन भेज दिया। ब्रेसवेल भले इस मैच में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए हो, लेकिन कुछ महीनों पहले ही वो इसी कंडीशन में अपनी टीम को नया पार लगा चुके हैं। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तारीख 10 जुलाई 2022, 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला डबलिन के द विलेज ग्राउंड पर खेला जा रहा था, जहां न्यूजीलैंड के सामने थी ऐसी टीम जो कभी कभार ही बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच खेलती है। आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 300 रन टांग दिए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 29.5 ओवर में 153 के स्कोर पर 6 विकेट खो चुकी थी और मैच कीवी टीम की पकड़ से काफी दूर जा चुका था। लेकिन यहां से ब्रेसवेल ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य के नजदीक ले गए। न्यूजीलैंड को पहला मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में 20 रन बनाने थे। ऐसे में ब्लैक कैप्स के लिए लक्ष्य काफी मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि कोई टीम इससे पहले ये कारनामा नहीं कर सकी थी। उसमें भी न्यूजीलैंड की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। हालांकि टीम के लिए अच्छी बात थी कि स्ट्राइक पर माइकल ब्रेसवेल थे जो 103 रन बना चुके थे। उन्होंने आखिरी ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा और फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर न्यूजीलैंड को जीत के करीब ला दिया। अब टीम को 2 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी और 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर ब्रेसवेल ने टीम को जीत दिला दी। कीवी टीम ने इस मुकाबले को 1 गेंद बाकी रहते ही 1 विकेट से जीत लिया। मैच के हीरो चुने गए माइकल ब्रेसवेल 82 गेंदों पर 127 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 7 छक्के और 10 चौके शामिल थे। माइकल ब्रेसवेल का जन्म 14 फरवरी 1991 को न्यूजीलैंड के मस्टरटर्न में हुआ। वो कीवी टीम के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी ब्रेंडन और जॉन ब्रेसवेल के भतीजे हैं। वहीं वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर डग ब्रेसवेल के चचेरे भाई भी हैं। ब्रेसवेल ने महज 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानने वाले माइकल शुरू में गिली की तरह ही विकेट कीपिंग करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलिंग शुरू की, जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। ब्रेसवेल ने पिछले साल मार्च में नीदरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जबकि उसी साल जून में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने T20I डेब्यू करने का मौका मिला। ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के लिए अब तक 4 टेस्ट, 17 वनडे और 13 T20I मैच खेल चुके हैं। ब्रेसवेल ने पिछले साल अपने T20I करियर के पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। आयरलैंड के खिलाफ मैच में कारनामा करने के साथ ही ब्रेसवेल T20I क्रिकेट के इतिहास में अपने पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इतना ही नहीं, ब्रेसवेल अब बिना ओवर पूरा किए 3 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। साथ ही हैदराबाद में खेले गए वनडे मैच में ब्रेसवेल ने सिर्फ 57 गेंदों में शतक जड़ा। इसके साथ ही वो वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले कोरी एंडरसन ने 36 गेंदों और जेसी राइडर ने 46 गेंदों में शतक ठोका था। ये ब्रेसवेल के वनडे करियर का दूसरा शतक था और दोनों ही शतकीय पारियां अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।